हेलो दोस्तों, सहानी कोड में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं वेजिटेरियन मैगी, जिसमें हम बहुत सारे वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे और इसे मैं बहुत ही अलग तरीके से बनाऊंगी। अगर आपको घर में कुछ भी खाने की इच्छा ना हो तो आप मैगी को इस तरीके से बना के खा सकते हैं। मैंने एक चॉपर ले लिया है, जिसमें मैंने रफली कट करके बीन्स, गाजर, प्याज को मैंने आधा ही टुकड़ा लिया है, और मटर और मिर्च सब इसमें डाल दिया है। मैं इसे अच्छे से चॉप कर दूँगी। उसके बाद मैंने एक बाउल में भर के मैगी ली है, सारे मसाले लिए हैं। मैं आपको दिखाऊंगी मैं इसमें से क्या क्या यूज़ करूंगी। 2 पैकेट मैगी मसाला लिया है, टोमेटो सॉस लिया है और ज़रूरत के अनुसार हम पानी यूज़ करेंगे। अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं और तब तक हम इसे रफली चॉप कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने चॉप कर लिया है। मैं इसे खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही रफली मैंने चॉप कर लिया है। अब मैं आगे की प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें अपने सारे रफली चॉप्ड वेजिटेबल। इसे मिक्स करने के बाद बाउल में हमारे थोड़े वेजिटेबल्स बचे हैं, इसे हम बाद में डालेंगे। इसमें हम थोड़ा पानी ऐड कर लेते हैं। मसाले हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हमारा आधा मिनट हुआ है। हम इसमें अपने मैगी में फ्लेम को लो करके हम इसमें मैगी मसाला के साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा धनिया जीरा, थोड़ी सी हल्दी थोड़ा और ले लेंगे, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, इसे मिक्स करके हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। इसके साथ ही साथ हम अपने टोमेटो केचप भी थोड़ा सा इसी में ऐड कर लेंगे। इसे अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करते हुए हम इसमें ये मिक्स किया हुआ पानी डाल देंगे और अच्छे से इसे मिला लेंगे। मसाले हमारे पानी में घुल गई है। अब हमें कढ़ाई में मैगी में हमें जितना पानी चाहिए उसे हम इसमें ऐड कर लेंगे। हमने पानी ऐड कर लिया है 2 गिलास के करीब और इसे एक उबाल आने तक रहने देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे मसालों जो हमने पानी में मिक्स किया था उससे उबाल आ चुकी है। अब हम इसमें अपने मैगी डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए 5 मिनट के लिए पकने देंगे।
ये देखिए दोस्तों, 5 मिनट हो गया है, हमारी मैगी बनकर तैयार हो गई है। हम इसे और ज़्यादा नहीं सुखाएंगे, और इसमें मैंने ज़्यादा ही स्पाइसी दिया था। अगर आपकी को कुछ खाने का मन ना हो, तबीयत खराब में भी आप खाना चाहो तो आप थोड़ा स्पाइसी बना के इसे खा सकते हैं, तो आपकी तबीयत भी अच्छी लगने लगेगी। मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसे सर्विंग बाउल में सर्व कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारी मैगी बनकर तैयार हो गई है। हम इसके ऊपर से थोड़े से धनिया पत्ते गार्निशिंग के लिए डाल देंगे, इससे बहुत ही ग्रीन ग्रीन दिखेगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।